हेलो एंड वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी हियर विद रूपा मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है सीजीपीएससी मेंस का इंग्लिश। वैसे मुझे पता है कि जब हम कंपटीशन में बैठते हैं, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो लैंग्वेज हमारा बहुत ही यू नो द लाइटेस्ट वेट सब्जेक्ट होता है, लाइटेस्ट वेटेड सब्जेक्ट। रीजन, हमें ऐसा लगता है कि जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं वो लैंग्वेज हमें आती है, हमें उसके बारे में सब कुछ पता है, तो इसको थोड़ा सा कम तवज्जो देंगे। बट माई डियर, जस्ट इमेजिन, आप एग्जामिनेशन जब देते हैं तो उसका माध्यम दो ही होता है। आई डोंट थिंक कि तीसरे माध्यम में यहाँ पे कोई बच्चा देता होगा, छत्तीसगढ़ी में आता नहीं है ये जो एग्जामिनेशन है। तो आप या तो हिंदी में एग्जामिनेशन देते हैं या इंग्लिश में। तो अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश अच्छी है नहीं, तो आप कितना अच्छा इंग्लिश प्रिपेयर कर सकते हैं या कितना अच्छा आप बाकी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेन्स ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। द वेरी बेसिक डिफरेंस दैट मेन्स इज इम्पॉर्टेंट रीजन, यू हैव टू राइट योर आंसर्स। तो आप कैसे कोई आंसर्स को अच्छा लिख सकते हैं अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी और छत्तीसगढ़ी जो है सिर्फ लैंग्वेज का पार्ट प्ले नहीं कर रहा है, सिर्फ ग्रामर का पार्ट प्ले नहीं कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट पार्ट प्ले नहीं कर रहा है, वो हर एक माध्यम का भी मतलब दिस इज अ मीडियम ऑल्सो, इट्स अ माध्यम जिससे कि आप एग्जाम लिखते हैं। और क्योंकि आप यहाँ पे लिख रहे होते हैं, और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी राइटिंग की कितनी प्रैक्टिस है, हम तो वॉट भी WAT लिखते हैं, मैसेज MSG लिखते हैं, एंड n नंबर ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स विच यू यूज nowadays इन योर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और व्हाट्सएप तो खैर पूछो ही मत, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को जानते हैं तो आप कुछ भी शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी बहुत अच्छी ग्रेविटी या बहुत अच्छी पकड़ होगी किसी लैंग्वेज में? और मेन्स पूरा जो बेस होता है वो लिखने की कैटेगरी पे बेस होता है, मतलब हाउ यू राइट दैट एग्जामिनेशन, राइट? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हियर आई हैव फाउंड, जितने भी आप अगर आप उठा के देखेंगे द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर सिलेक्टेड, आप पाएंगे कि मैक्सिमम जो है वो हिंदी मीडियम से हैं। रीजन इसका एक और बहुत स्पेसिफिक है और बहुत ही सिंपल रीजन है, इंग्लिश मीडियम बच्चों को जो लगता है कि हमें इंग्लिश आती है, ठीक है, तो वो जो इंग्लिश का आंसर्स प्रिपेयर करते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जब वो हम अपनी भाषा में लिखते हैं, जब हम अपनी भाषा को लिख में किसी भी चीज को ट्रांसलेट करते हैं, तो आप इंटरप्रिटेशन को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, ना कि तथ्य को। ध्यान से समझना बेटा, दोज वो आर राइटिंग द एग्जामिनेशन इन इंग्लिश, दोज वो आर गोइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, ये सब चीजों का ध्यान रखो बेटा, कि आपके लिखने की जो राइटिंग स्किल होती है वो तभी एनहांस होती है, तभी बेहतरीन होती है जब आपके वोकैबुलरी अच्छी हो, व्हेन योर डिक्शन इज गुड, व्हेन यू हैव अ गुड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अदरवाइज योर लेवल ऑफ राइटिंग ऑटोमेटिकली कम्स डाउन। और हम अगर एक 30 शब्द के आंसर को 300 शब्द में हमें लिखना है और हमें कुछ टैक्टिक्स आते ही नहीं है, तो हम क्या नॉर्मल लैंग्वेज फॉलो करते हैं? और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में ग्रामर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हम आधे वर्ड्स में भी चीजों को समझा लेते हैं, हम आधे सेंटेंसेस में भी चीजों को समझा लेते हैं। That is why it is very important that you learn English with me. Okay? जब हम ये पढ़ रहे होंगे तो मैं इस इंग्लिश के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि आप अपने आंसर्स कैसे लिखें, ठीक है? हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर्स, हाउ यू कैन मेक एन आंसर शॉर्ट। अगर नो वेट, चलो लेट अस डिस्कस द सिलेबस ऑफ सीजीपीएससी मेंस इंग्लिश लैंग्वेज, ओके? आपका सबसे फेवरेट वाले को मैंने पहले लिखा है, जिससे आप बहुत ज्यादा डरते हैं, जिससे हमारे शब्द बहुत अच्छे, हमारे पास वर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, हमारी वोकैबुलरी बहुत ही अच्छी होती है। तो हम पहले करेंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इस सिलेबस की बात कर रहे हैं, जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी और आगे, ठीक है? सिनोनिम्स एंटोनिम्स इडियम्स फ्रेजेस प्रेपोजिशंस कंजंक्शंस, ये अलग से भी देते हैं आपको, इसलिए मैंने अलग से लिखा है इसको। अदरवाइज हम जनरली क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, ठीक है? मैं एक्चुअली इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब कुछ बताऊंगी आपको, लेकिन इन दोनों पे हमको और ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इनमें कंफ्यूज होते हैं। और ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ, मैं जो पीएससी की तैयारी आपको करवाऊंगी, पीएससी में जब हम लैंग्वेज पढ़ेंगे या इंग्लिश पढ़ेंगे, तो हम मैक्सिमम चीजों को रिलेट करेंगे ऐसे राइटिंग टॉपिक से भी और आपके इंग्लिश आंसर से भी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका माध्यम इंग्लिश होता है, ठीक है? तो आप अपने आंसर्स को मेरे साथ रहते हुए और बेहतर बनाएंगे,
चलो नेक्स्ट इज टेंस. दैट मीन्स इसमें जनरली आपको देता है वर्ब फॉर्म भरो, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. इसमें बहुत सारे, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स आता है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स आता है. तो फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने अलग से नहीं लिखा, फिलअप्स को मैंने अलग से मेंशन नहीं किया है. ठीक है. नेक्स्ट इज वॉइस. ये भी आपको पता है कि वॉइस में एक्टिव पैसिव वॉइस कंपलसरी क्वेश्चन होता है. पहले का जो पैटर्न था उसमें 5 कंपलसरी क्वेश्चन आते थे. नाउ डेज दे हैव डिक्रीज इनटू 3-2 पर देते हैं. इट इज अ कंपल मैंडेटरी क्वेश्चन इन पीएससी सीटीपीएससी मेंस. ओके. नेक्स्ट इज प्रेसी राइटिंग. अगेन ये यहाँ पे, ये लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी. ठीक है. नेक्स्ट इज सेंटेंस मेकिंग. सेंटेंस मेकिंग भी आता है बेटा आपको, सेंटेंस करेक्शन भी आता है और सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आता है. इसका मतलब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छा होना चाहिए. अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की तैयारी बहुत अच्छे से की है, अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो यू विल नेवर फेस प्रॉब्लम इन सेंटेंस करेक्शन, अरेंजमेंट और मेकिंग ऑफ इट. ओके. नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश की बात कर रहे हैं अपन. ठीक है. तो हम लोगों को जनरली किस में आता है, इंग्लिश में सेंटेंस देंगे आपको हिंदी में बनाना होता है, या फिर हिंदी में सेंटेंस देंगे आपको इंग्लिश में बनाना होता है. दोनों ही तरीके से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर लर्निंग हाउ टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस. तो आपको दोनों आना चाहिए, वाइस वर्सा. ओके. नेक्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ये एक अनसीन पैसेज होता है छोटा सा. ठीक है. ये जो दो है, प्रेसी राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैं चाहूंगी कि जो मेरे साथ जो बच्चे कर रहे हैं वो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जनरली क्या होता है, आपका एक नोशन है, यू हैव अ नोशन दैट बहुत ज्यादा लंबा पैराग्राफ है, इसमें बहुत सारे टफ वर्ड्स हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी. नो, विथ मी यू विल लर्न हाउ टू कॉम्प्रिहेंड अ पैसेज एंड हाउ टू आंसर इट. क्योंकि ये 5-5 मार्क्स का, यानी 10 मार्क्स अपने हाथ में है अपने. ठीक है. वी हैव 10 मार्क्स इन हैंड. और एक और रीजन बताती हूँ व्हाई यू नीड टू लर्न लैंग्वेज. रीजन, हमारी बहुत सारी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो होती है वो बाकी बच्चों जैसे सेम होता है. हम पब्लिक एड पढ़ते हैं, हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम फिलोसफी एक्स्ट्रा पढ़ते हैं. तो फिलोसफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इन सभी में आंसर्स लिखने पड़ते हैं आपको. लिखने पड़ते हैं, आप आंसर्स लिखते हैं, आप क्वेश्चंस पढ़ के उसको इंटरप्रेट करके उसको बड़ा भी बनाते हैं. कई बार आपको 500 शब्दों में लिखना पड़ता है, कई बार आप उसको कम करके 3 लाइंस में लिखना पड़ता है, यानी 30 वर्ड्स में लिखना पड़ता है, कभी उनको 15 वर्ड्स में लिखना पड़ता है. यही तो खूबसूरती है कि आप कैसे एक नॉर्मल टॉपिक को बड़ा कर सकते हैं और उसी टॉपिक को आप कैसे छोटे में प्रिसाइसली बताते हैं. दिस इज व्हाई यू नीड टू लर्न द लैंग्वेज. अगर आपकी लैंग्वेज में पकड़ अच्छी है तो आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली बाकी बच्चों से अच्छे आते हैं. और इसका फायदा क्या हो जाएगा, जब हम बाकी एग्जामिनेशन में, अगर सपोज फर्स्ट पेपर हमारा उतना अच्छा नहीं गया या हमारा 5th पेपर उतना अच्छा नहीं गया, तो लैंग्वेज उनको बैलेंस करता है. इट इज नॉट जस्ट 50 मार्क्स, इट इज 50 मार्क्स. आप 1 मार्क्स से चूक जाते हैं, पता है ना. तो दिस इज वॉट आर टूल्स इन हैंड्स. ये आपके लिए वो टूल्स है, ये आग में घी का काम करते हैं. आग में घी का काम, वो गलत वाला नहीं, पॉजिटिव वाला. ये आपके मार्क्स को एनहांस करता है. आप जहां पे चूक रहे हैं वो आपको यहाँ पे स्टेबल करता है. 200 मार्क्स, अगर आप 50 भी मार्क्स लेते हैं उसमें, अगर आप 50 को ही इंग्लिश बोल रहे हैं, तो वो 50 भी आपको कहीं ना कहीं बाकियों से आगे ले जाएगा. उसमें से 3 मार्क्स भी अगर आप एक्स्ट्रा ला रहे हैं बाकी बच्चों से, तो यू आर स्टैंडिंग इन अ पोजिशन बेटर देन देम. समझ में आ रहा है. तो इंग्लिश, जो भी जिनको भी ऐसा लगता है कि हमारा इंग्लिश कमजोर है, वो मेरे साथ इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे फॉर सीजीपीएससी मेंस. ओके. नाउ लेट अस डिस्कस इट 1 by 1. कैसे इसमें क्वेश्चंस आए थे, कैसे लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को मैम दिखाएंगे आपको कि कैसे ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे. हाउ यू हैव टू अप्लाई इट, हाउ यू हैव टू लर्न इंग्लिश विद मी. और मेरे साथ इंग्लिश पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा. लेट अस सी, चेक आउट. देखो बेटा, आई हैव स्टार्टेड विद सेंटेंस. ठीक है. अब सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और सेंटेंस मेकिंग, तीनों अलग अलग फॉर्म में आता है पर आता है. ठीक है. सेंटेंस करेक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, एरर होगा. ठीक है. कोई ना कोई गलती होगी. अब ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप पीएससी एग्जाम लिख रहे हैं, पीएससी मेंस लिख रहे हैं, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं है जहां पे आपको टिक करना है. नो, यू हैव टू राइट एन आंसर ऑफ योर ओन. तो जब आपको खुद के आंसर लिखने होते हैं तो ध्यान रखना हमारे पास थोड़े से लाइबिलिटी ज्यादा होती है, यानी कि हमारे पास थोड़े ऑप्शंस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी भी तरीके से वो सेंटेंस करेक्ट कर सकते हैं, चाहे उसमें एरर्स हटा के या फिर उसको रीफॉर्म करके.
ठीक है, बट आई विल सजेस्ट यू यूज योर ग्रामर, यूज योर पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेंस है उसको यूज करके तब आप ठीक करिएगा, क्योंकि एरर का मतलब ही होता है या तो कुछ मिसिंग होगा, समथिंग विल बी मिसिंग, सेंटेंस करेक्शन का मतलब होता है या तो उसमें कुछ मिसिंग होगा, यानी कि हो सकता है कि कोई शब्द को उसने गायब कर दिया, शायद हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, शायद उसने एडवर्ब हटा दिया है, शायद उसने आर्टिकल हटा दिया, ये कुछ भी हो सकता है, शायद मॉडल्स मॉडल्स नहीं दिए हैं उसमें, यानी मिसिंग कुछ भी हो सकता है। तो जहां वो पार्ट मिसिंग है वही आपको ऐड करना है। हो सकता है कि सेंटेंस नेगेटिव है पर नॉट कहीं है ही नहीं, तो शायद आपको नॉट या नो ऐड करना है। ठीक है, आई शो यू हाउ इट इज डन। ठीक है, या तो मिसिंग होगा या फिर कोई वर्ड होगा जिसको आपको एडिट करना होगा, यू हैव टू एडिट इट। एडिट का करने का मतलब ही होता है सही करना, सुधारना, यानी हो सकता है कि वो वर्ब का फॉर्म गलत दिया गया हो, या फिर एडजेक्टिव को एडवर्ब की तरह लिखा गया हो, या एडवर्ब को एडजेक्टिव की तरह लिखा गया हो, नाउन को एडजेक्टिव बना दिया गया हो, नाउन को एडजेक्टिव बना दिया गया हो, तो ये आपको चेक करना है। इफ दैट वर्ड इज इन द पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव एंड इट इज रिटन विद एन एल वाई एंड इट हैज टू बी एन एडवर्ब, तो आप उसको हटा के चेंज करेंगे, दैट मीन्स यू आर एडिटिंग इट। या फिर आप किसी चीज को ओमिट करते हैं, ओमिट करना मतलब शायद कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है, यानी उसने हो सकता है कि आर्टिकल एक्स्ट्रा दे दिया हो जो कि जरूरत ही नहीं थी वहां पे, तो आर्टिकल का एक्स्ट्रा प्रयोग भी एरर ही माना जाता है। ठीक है, तो आपको हर एक चीज में पहले हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर एक इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन है वो स्ट्रांग होना चाहिए बिफोर यू एंटर इनटू दिस फील्ड। इसीलिए ग्रामर इंपॉर्टेंट होता है, और क्योंकि आप सेंटेंस करेक्शन सीख ले रहे हैं आपको एरर ढूंढना आ जा रहा है, मतलब फिर तो सेंटेंसेस अच्छे से बन ही सकते हैं। उसके बाद ही हम चलेंगे सेंटेंस मेकिंग में। ठीक है, तो हमको अभी फाइंड करना है एरर। सबसे पहले अपन करेंगे एरर फाइंड करना, दैट मींस सेकंड क्वेश्चन। डू एज डायरेक्टेड है, दिस इज टू रीअरेंज, दिस इज टू करेक्ट एंड दिस इज टू मेक सेंटेंस। ठीक है, एक फ्रेज दिया है, एडियम या फ्रेज में से कोई एक चीज दिया हुआ है और आपको इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। राइट द मीनिंग ऑफ द एडियम गिवन एंड फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस विद दिस। तो हाउ यू फॉर्म द सेंटेंस ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो पहले चलते हैं सेंटेंस करेक्शन में। अब हम अपना पूरा हिंदी यहाँ पे यूज करते हैं। आपको तो हिंदी बहुत अच्छे से आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, या आई नो दिस, और आप इंग्लिश में शायद सेंटेंस गलत कर दे पर हिंदी में गलती नहीं करते हैं। लेट अस चेक आउट। इफ आई विल विन द रेस आई विल बी सिलेक्टेड। जैसे ही बच्चा ये सेंटेंस पढ़ता है इसको तुरंत उसको हिंदी में फॉर्म करता है, अगर मैं रेस जीत जाऊंगा तो मुझे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। करेक्ट है, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं जीत जाऊंगा तो मुझे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। अगर मैं अच्छे से रेस जीत गया तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, साउंडिंग लाइक फ्यूचर टेंस। और क्योंकि फ्यूचर टेंस साउंड कर रहा है तो अगर मैं जीत गया, जीत जाऊंगा तो सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो आई थिंक दिस विल बी करेक्ट। विल प्लस विन एंड विल प्लस विल, दिस इज विल प्लस वी वन, दिस इज विल प्लस वी वन, सही है, और हमें फॉर्मेशन सही लगेगा। अब ध्यान रखना, ठीक है, इफ जब आपको सिलेबस दिया जाता है तो शायद उसमें मेंशन नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे छुपे टॉपिक्स होते हैं जो ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर आपने टेंस पढ़ा है और अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं पढ़ा है तो आप कभी भी सक्सेसफुली एक सेंटेंस को नहीं फॉर्म कर पाएंगे, आप एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको प्रॉब्लम होगा। आई विल शो यू सम क्वेश्चंस दैट हैज कम इन 16, 17 एंड 18 रिलेटेड टू कंडीशनल सेंटेंस। लेट अस चेक इट आउट। चेक ऑल दीज थ्री क्वेश्चंस, ठीक है, और इसको सॉल्व करना मैम नहीं बताएंगे, मैम इसको सॉल्व करा रही है, मैम थोड़ा सा कंडीशनल ऑटोमेटिक बताएंगे। अभी आप क्वेश्चंस देख लीजिए, दिख रहा है, दीज थ्री क्वेश्चन, एक है 16 में आया है, 2016, 2017, 2018, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, और व्यापम और SSC में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ACF का भी एक क्वेश्चन है जो ऐसा है, लास्ट ईयर ACF क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस कंडीशनल। ये टॉपिक शायद आप अलग से करते नहीं हैं, पर अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं और आप ये टॉपिक नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आई विल टेल हाउ सम ऑफ द शॉर्टेस्ट थिंग्स अबाउट कंडीशनल आफ्टर दिस, लेट अस डिस्कस एंड देन आई विल शो यू। ओके, तो आप जाते हैं चेक करने में, तो जहां पे दो विल लिखा है ये एरर है बेटा, कोई एक इसमें से एरर है। अभी मैं जब सिखाऊंगी तो फाइंड करेंगे अपन, ठीक है, ये सेंटेंस याद रखना। तो इफ आई विल विन द रेस आई विल बी सिलेक्टेड, यहां एरर है, यू हैव टू चेक दिस सेंटेंस। और याद रखो बेटा, जब आप ये सेंटेंस को करेक्ट कर रहे हैं तो आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ता है, तो
कोशिश यही करना कि कट कॉपी पेस्ट करने का, अपने मन से नहीं लिखना, क्योंकि स्पेलिंग एरर्स आर नॉट काउंटेड गुड फॉर एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट. अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं, कॉम्पिटिशन में बैठे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और जस्ट इमेजिन द पोस्ट यू आर गेटिंग थ्रू दिस. सीजीपीएससी का पोस्ट, हाईएस्ट पोस्ट क्या है? डिप्टी कलेक्टर. तो आप एक कलेक्टर की पोस्ट में बैठने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू सिट ऑन अ पोस्ट विच हैज वैल्यू. तो वहां पे आप स्पेलिंग एरर्स नहीं कर सकते और कोशिश भी नहीं करना. इसलिए कम जहां पे आपको लगता है कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती है, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, बिकॉज इट विल बी देयर इन योर क्वेश्चन पेपर. नेक्स्ट, अब आते हैं थर्ड वन, जिसमें हमको मीनिंग बनाना होता है, मीनिंग भी बताना होता है और हमको उसका सेंटेंस भी बनाना होता है. ये मैं तुरंत बता रही हूँ, ठीक है, ये दोनों मैं तुरंत बता रही हूँ. अब इसका होता है टू कॉस्ट आर्म एंड अ लेग मीन्स वेरी एक्सपेंसिव. ये तीन फॉर्म देखा आपने, मेकिंग, करेक्शन, अरेंजमेंट, ठीक है. अब आते हैं फर्स्ट वाले में. हाँ देखो बेटा, अब हम सबसे पहले करने जा रहे हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक होता है जंबल वर्ड्स और एक होता है जंबल सेंटेंसेस. पर पीएससी में जनरली आपको जंबल वर्ड्स मिलते हैं, यानी वर्ड्स को इधर उधर कर देते हैं. जंबल्ड का मतलब होता है बिना क्रम के, यानी क्रमबद्धता ना हो जिसमें, ठीक है, क्रम में ना हो जो. तो दिस इज जंबल वर्ड्स एंड आपको बनाना है एक मीनिंगफुल सेंटेंस. मीनिंग नहीं लिखना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, यानी एक वाक्य जिसका अर्थ हो. वैसे भी वाक्य वही है जो शब्दों का समूह जिसमें पूर्ण अर्थ हो, ठीक है. तो लेट अस ट्राई. तो जनरली हमारा सेंटेंस किससे बिगिन होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या फिर वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यानी जब भी हम ऐसा देख रहे हैं, इसका मतलब समझ जाना, ये हम पहला वर्ड जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा. मेन वर्ब से नहीं शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर शायद सब्जेक्ट लगा होगा. जैसे एम आई योर टीचर, तो एम आई, एम कहाँ है? पहले है आई के. तो इनवर्स, इसको कहते हैं इनवर्स थ्योरी, ठीक है, इनवर्स है ये. दिस इज नॉर्मल सेंटेंस. तो सेंटेंस इन्हीं दोनों फॉर्म में हो सकता है, या पैसिव में हो सकता है, या नरेटिव फॉर्म में हो सकता है. तो नरेशन नहीं है, बिकॉज देयर इज नो दैट एंड देयर इज नो इनवर्टेड कॉमास, यानी ना डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है. पढ़ेंगे आगे, अभी सिर्फ मैम बता रही हैं और ध्यान से सुनिएगा कि सेंटेंस कैसे कैसा हो सकता है. या एक क्वेश्चन फॉर्म में हो सकता है, या एक नॉर्मल सेंटेंस हो सकता है, नॉट वाला सेंटेंस हो सकता है, या तो फिर सेंटेंस बिगिन कर सकता है किसी हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है. तो हमारा अभी सेंटेंस में हमें बहुत सारी चीजें ढूंढना है. हम ढूंढ रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट हमने देखा बेटा कि ही शी, याद करते जाना, ठीक है, ही शी दे वी आई. जनरली हमेशा सेंटेंस का कर्ता होता है, अर्थात सब्जेक्ट होता है. अगर आपको आई, ही, शी, दे और वी दिख रहा है सेंटेंस में, दैट इज एब्सोल्यूटली गोइंग टू बी द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट. ओके, यू और इट भी होता है, पर क्योंकि यू और इट ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, तो दे आर एक्चुअली, आई हैव डन इट सेपरेटली, ठीक है. अगर हमें ये दिख रहा है, दैट मीन्स वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो यहां लगे चाहे वो यहां लगे, सेंटेंस का सब्जेक्ट यही होगा. ओके, तो हमको ही दिख रहा है, चलो लेट अस टेक इट आउट ही. अब जनरली ही के बाद क्या होगा? वर्ब होना चाहिए, वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, बोथ द सेम. तो हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब, वर्ब वाला वर्ड है, देखो दिस इज, अब इसको अपन याद आता है, दिस इज वी आर ट्राइंग. ओके, ही विल सक्सीड, तो हम फंस जाएंगे. अगर मैंने ही विल सक्सीड और उसके बाद हु, दिस लैंग्वेज नहीं आ रहा है, तो याद रखना बेटा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमको बताते हैं कि रिलेशन क्या है. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिलेशन बताते हैं, यानी वो घर जो मैंने खरीदा था, ये वही लड़का है जिसे मैं जानती थी, ये वो लड़की है जो मेरी स्टूडेंट थी. तो जो, वो, ये पढ़ रहे हैं हम लोग हिंदी में, सॉरी हिंदी में बोल रहे हैं. इसको इंग्लिश में कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस यूज करके हम लिखते हैं, जैसे दैट, हु और विच, ठीक है. दिस इज सम ऑफ द स्मॉलेस्ट थिंग आई एम टेलिंग यू, एक कुछ छोटी चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो. हमेशा हु को क्वेश्चन ही ना ले, विच को क्वेश्चन ही ना ले, इसलिए मैम बता रही है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा. अब हम जैसे ही दैट, हु और विच की बात करते हैं, तो हम वो बातें कर रहे हैं जो सेंटेंस में कहीं ना कहीं किसी पर्सन को या किसी प्लेस को या थिंग को डिनोट कर रहा होगा या उसके बारे में रिलेट कर रहा होगा. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दीज वर्ड्स रिलेटिंग इट टू द नाउन और द सब्जेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट, या तो नाउन या प्रोनाउन को रिलेट कर रहा होगा, ठीक है, इनसे रिलेशन बता रहा होगा. तो अगर मैं सिर्फ मनुष्य की, यानी कि इंसानों की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग ह्यूमन बींग्स,
और पर्सन की बात कर रही हूँ, पर्सन स्पेशली पर्सन की बात कर रही हूँ, तो मैं जनरली क्या यूज करूंगी पर्सन के लिए? हु। ठीक है, अगर मैं थिंग्स की बात कर रही हूं तो मैं क्या यूज करूंगी? विच। ठीक है, लेकिन दैट जो है अगेन कंफ्यूजिंग, ये पर्सन के लिए भी यूज होता है और थिंग के लिए भी यूज होता है। इट इज यूज बोथ विथ पर्सन एज वेल एज थिंग। ठीक है, कैसे? पर्सन के लिए जब यूज होता है और कैसे थिंग के लिए यूज होता है ये मैं बताऊंगी व्हेन यू आर लर्निंग विद मी, नॉट एवरीथिंग। तो दिस इज हाउ यू एक्चुअली रिलेट। तो यहां पे अभी हमें पता है कि ही की बात हो रही है, दैट मींस वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। तो पर्सन की बात हो रही है तो मैं लगाने जा रही हूं यहां पे हु। ही हु, अब मुझे लगाना है वर्ब नोज। क्यों मैडम ने विल नहीं लगाया, नोज लगाया? रीजन, हम एक्चुअली एक वचन की बात कर रहे हैं तो इससे ज्यादा सुटेबल कौन सा वर्ब होगा? नोज। तुरंत आता है वर्ब के बाद नोज। ठीक है, सिंगुलर है, एस लगा है, तो कहीं और वो किसी के साथ जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या लगाया? ही हु नोज, क्या जानने वाला? दिस लैंग्वेज। ही हु नोज दिस लैंग्वेज, जो ये लैंग्वेज जानता है वो सक्सेसफुल होगा फॉर श्योर। दैट मीन्स विल सक्सीड फॉर श्योर। ही हु नोज दिस लैंग्वेज विल सक्सीड फॉर श्योर, जो ये लैंग्वेज जानता है वो पक्का इस चीज में कामयाब हो जाएगा। ठीक है, द सेंटेंस गोज लाइक दिस। तो ये जो है, ये जो है ना, ये एक्चुअली क्या है? एक क्लॉज है जो किसको डिफाइन कर रहा है? ही को। ठीक है, दिस इज हाउ यू मेक अ सेंटेंस। और इसीलिए हम फंस जाते हैं, अगर हम हु से शुरू करते हु तो हमको कहीं ना कहीं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नाउन लगाना पड़ता। तो ही, सॉरी हु, यहां पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसके अलावा। हु विल सक्सीड फॉर श्योर knows this language. Oh, not sounding good. It can be a good sentence, but it doesn't have any meaning. Because it doesn't have any meaning, let us drop the plan to make it a sentence. Okay? This is how you translate it. This all you will be learning in pronouns when I'll be teaching parts of speech. Okay? अब आते हैं हम sentence making में. ऐसे ऐसे करना है आपको sentence rearrangement. Sentence rearrange करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि types of sentences कितने होते हैं, जो भी ग्रामर क्वेश्चन में अलग से आपको टॉपिक में देता ही नहीं है। और क्योंकि कोर्स में नहीं रहता है, सिलेबस में नहीं रहता, तो बच्चा उसको प्रिपेयर ही नहीं करता है। और क्योंकि बच्चा उसको प्रिपेयर नहीं करता है, सेंटेंस एरर में फंस जाता है। ऐसा ही होता है क्योंकि आप लोग जनरली सिलेबस फॉलो करते हैं, तो लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आप सिलेबस बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ऐसा होता है कि हर चीज जो लैंग्वेज, यानी कि कोई आप इंग्लिश या हिंदी जो पढ़ रहे हैं, वो कोई भी एक टॉपिक पढ़ के आप पूरा सॉल्व नहीं कर सकते। आप पूरे पांच करके भी नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि 10 है टॉपिक टोटल। सपोज अगर 10 चैप्टर्स हैं और आप सोच रहे हैं पांच करके आप इंग्लिश करेक्शंस कर सकते हैं या जो सिलेबस में दिया उसको करके कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको इन सबको करने के लिए भी जरूरी होती है। जैसे आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दोनों टाइप के पता होने चाहिए, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी पता होना चाहिए, इंटरोगेटिव क्या है, अफर्मेटिव क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज हाउ यू लर्न इंग्लिश एंड दैट इज हाउ आई विल बी टीचिंग इंग्लिश हियर इन कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। ओके, जॉइन मी फॉर दैट। ओके, अब है सेंटेंस मेकिंग। हम लोग का वो फ्रेज क्या था? टू कॉस्ट। ओके, टू कॉस्ट आर्म एंड लेग, है ना? टू कॉस्ट ऑन आर्म एंड लेग। ओके, दिस वॉज अवर idiom or phrase, जो आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या था? वेरी एक्सपेंसिव। अब बच्चा कहाँ प्रॉब्लम में आता है? अब उसको पता है कि इसका मतलब है महंगा। कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छे, क्योंकि आप लोग प्री क्लियर करके मीन्स दे रहे हो बेटा, आपकी तैयारी ऐसी होती है कि आप बहुत सारी चीजें पहले से भी करके रखे होते हैं। ठीक है, तो मे बी यू नो द मीनिंग, लेकिन जब आप उसको सेंटेंस बनाते हैं तो बस ही हु, हम लोग कैसे बनाते हैं? ही इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, जैसे द मार्कर इज वेरी एक्सपेंसिव बोलना है, तो मैं क्या बोलूंगी? द मार्कर टू लगा, जैसे ही आपने टू देखा तो आप परेशान हो जाएंगे, टू कैसे लगाएंगे? तो दिस इज एन idiom और अ फ्रेज, यू डोंट हैव टू यूज ऑल द वर्ड्स गिवन एग्जैक्टली इन द पोजिशन वेयर दे आर। अब कैसे यूज करते हैं देखो,
अभी सबसे ज्यादा महंगा शहर है पेट्रोल. घुमाना पड़ता है ना, इसलिए मैं बता रही हूँ. पेट्रोल नाउडेज कॉस्ट फिनोमिनल लेंथ, आर्म एंड लेग, सॉरी. पेट्रोल नाउडेज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग. लेग मतलब ही हो गया बहुत महंगा. आजकल पेट्रोल बहुत महंगा है, फिनिश्ड. कुछ नहीं लगाया मैडम ने, सिर्फ एक लिखा पेट्रोल, बस. इसको नहीं भी लिखोगे तो भी इट्स करेक्ट, सेंटेंस इज करेक्ट. पर बच्चा क्या करता है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे मैं कैसे बनाऊंगा सेंटेंस. आप सेंटेंस बनाने में कभी भी गलत नहीं हो सकती, अगर आपको पता है कि पोजिशन ऑफ सेंटेंस कैसा होता है, हाउ यू हैव टू प्लेस द वर्ड. तो पहले उस वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करना, और इसमें आप तुक्का नहीं मार सकते बेटा, क्योंकि दीज आर इडियम्स एंड फ्रेजेस, यू हैव टू लर्न देयर एग्जैक्ट मीनिंग. यहाँ शाब्दिक अर्थ नहीं चलता है, ठीक है? यहाँ पे हम शाब्दिक अर्थ नहीं लेते हैं, इसलिए हमें कुछ जो है फ्रेजेस और इडियम्स की तैयारी करनी चाहिए, एटलीस्ट 5-6 5-6 एवरी डे. तो हम जब इसको लिख रहे होते हैं तो एज इट इज उसका दिमाग में रख के नहीं लिख सकते. तो हमें ये समझना होता है कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, या नाउन के बारे में बात कर रहा है, नाउन के बारे में बात कर रहा है या वर्ब के बारे में बात कर रहा है. अगर नाउन के बारे में बात कर रहा है तो एक अच्छा सा नाउन ढूंढो, और डोंट टेक एज अ पर्सन नाउन. पर्सन नाउन लेने से वो उतना अच्छा मीनिंग नहीं देता है. लेकिन अगर आपने पेट्रोल लिख दिया है नाउ डेज कॉस्ट अराउंड, तो ऑटोमेटिक लोग समझेंगे पेट्रोल के बारे में बात कर रहा है. यानी कहीं ना कहीं आपको दाम लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इट्स ऑलरेडी रिटन, ठीक है? तो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं, तो योर टॉपिक बिकम्स गुड. अगर मैं यही लिख देती हूँ न्यू क्लोथ्स आर, क्लोथ्स आर, तो बिकम्स अ नॉर्मल सेंटेंस. तो आप एनवायरमेंट को लीजिए, कंट्री को लीजिए, इंटरनेशनल इश्यूज लीजिए. आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स बिकॉज यू आर गिविंग, यू आर सिटिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, तो यू ऑलरेडी लर्न करंट अफेयर्स, राइट? तो उन करंट अफेयर्स को दिमाग में रख के तब सेंटेंस बनाओ, सो दैट इट बिकम्स अ गुड सेंटेंस. और ज्यादा लंबा सेंटेंस नहीं बनाना. द लॉन्गर द सेंटेंस, द चांस ऑफ एरर बिकम्स मोर. ओके, तो कीप इट शॉर्ट प्रिसाइज, जिसमें उसका मीनिंग कन्वे हो सके. ओके, लेट अस डू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई विल जस्ट गिव समथिंग इंपॉर्टेंट. मैं सिर्फ एक ही कंडीशनल बताऊंगी ताकि आप बाकी के लिए मेरे साथ पढ़ें और अच्छे से पढ़ें. देखो बेटा, टेंसेस करने के लिए, अगर आप जब हम टेंस कर रहे होते हैं, वॉइस कर रहे थे, नरेशन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं टेंस ही कर रहे होते हैं. अगर हम वॉइस भी कर रहे हैं तो हम टेंस कर रहे हैं, अगर हम नरेशन भी कर रहे हैं तो हम टेंस कर रहे हैं. रीजन, हम कहीं ना कहीं एक्टिव को पैसिव में या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना रहे हैं. तो जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते हैं या एक्टिव को पैसिव बनाते हैं, तो अल्टीमेटली टेंस ही तो रहता है ना. टेंस को ही तो हम चेंज करते हैं, चेंज करते हैं ना टेंस को, यानी कि द वे द रिटन द समथिंग इज रिटन इन द टेंस, वी जस्ट ट्रांसफॉर्म इट, राइट? उसी को तो ट्रांसफॉर्म करते हैं. पर यहाँ पे हमको ऐसा नहीं करना. कंडीशनल्स हैव देयर ओन, कंडीशनल्स हैव इट्स ओन व्हाट, टेंस. तो वो देखो कैसा एक्चुअली होते हैं. जीरो कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंसेस. दिस इज नॉट एक्चुअली गिवन हियर इन द सिलेबस, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कंडीशनल सेंटेंस आपने देख ही लिया अभी के एग्जाम पेपर में कैसे आएगा. कंडीशनल सेंटेंसेस, जीरो कंडीशनल होता है पहला, ठीक है? दूसरे को हम कहते हैं फर्स्ट, क्योंकि जीरो आ गया इसलिए फर्स्ट कंडीशनल. देन कम्स सेकेंड कंडीशनल, एंड देन कम्स फोर्थ, दैट मीन्स थर्ड कंडीशनल. बट वेन यू लर्न विथ मी, आई विल मेक दिस इनटू टू, यानी हम फाइव पढ़ेंगे टोटल. लोग फोर पढ़ते हैं, हम फाइव पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको इजीली बता दूंगी कुछ ऐसी चीजें रटना जो आपको हमेशा काम आने वाला है, एवरी टाइम. एंड आई विल शो यू इन द फर्दर क्लासेस हाउ दे हैव यूज्ड द सेंटेंसेस इन अ ट्रिकी वे. कैसे वो ट्रिक अपनाते हैं ताकि आपको इसमें फंसा सके, कि कहाँ आप फंस जाएं, कहाँ आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल. तो आई एम गोना टेक दिस टू नाउ. एक छोटा सा सिंपल चीज बताती है मैम, हम कंडीशनल सेंटेंस करने जा रहे हैं. दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट इफ, वेदर, अनलेस, एक्सेट्रा. वेदर, व्हेन, अनलेस, एक्सेट्रा. मैं बहुत सारी चीजों की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है? ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है. और मैं इसी से आपको बताना चाहती हूँ कि कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए मेंस की. ऐसे नहीं कि आपने नॉर्मल टॉपिक्स तैयार किए, नॉर्मल सिलेबस पढ़ा और आप बैठ गए एग्जाम देने के लिए. नहीं, आपको तैयारी बहुत ज्यादा करनी है. जो चीजें नहीं दी गई है वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है? देखो बेटा कैसे, इफ वेदर सब दिया है. अगर कंडीशनल सेंटेंस बोल रहा है, मतलब
मैं एकदम सिंपल क्लॉज वर्स कुछ नहीं बता रही है अभी मैम, मैम सिंपल तरीके से बताना चाहती है कि हम दो सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, यानी मेरे पास दो सेंटेंस होंगे लिखे हुए और बहुत ही इजी होगा बिकॉज इट विल बी सेपरेटेड विद अ कॉमा। इंग्लिश में पंक्चुएशन बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए उनको ध्यान दिया करो। व्हेन यू आर लर्निंग रीडिंग अ बुक, व्हेन यू आर रीडिंग एनी पैसेज, व्हेन यू आर रीडिंग योर नॉर्मल सब्जेक्ट्स व्हिच यू आर एक्चुअली गिवन इन इंग्लिश, उसमें भी ध्यान रखो बेटा, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, इन सबका बहुत बड़ा रोल होता है। कैपिटल लेटर, एवरीथिंग प्लेज एन वाइटल रोल इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो जैसे ही मैंने दो सेंटेंसेस देखे तो याद रखना किसी एक सेंटेंस में इफ होगा, जैसा कि अभी मैंने देखा इससे पहले वाले में, इसलिए मैंने इफ को लिया है। ठीक है, इफ होगा। अगर इफ है तो कैसे प्रूव करते हैं, हम कौन सा कर रहे हैं, दिस वन, आई एम डूइंग दिस वन। ठीक है, देखो ना, अगर इफ के साथ वी वन है, मैं दोनों बताती हूँ एक्चुअली, तब समझ में आएगा। वी वन लिखा यानी जो इफ क्लॉज है, इफ के साथ वाले सेंटेंस में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो मैम जब बोल रही है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मैम सब्जेक्ट नहीं बता रही है, ऐसा होता है ना सेंटेंस। मैं ये दोनों नहीं बोल रही, मैं सिर्फ वर्ब की बात कर रही हूँ, क्योंकि वही आपको आएगा चेंज करने, कभी भी सब्जेक्ट चेंज करने नहीं आता है। सब्जेक्ट वोंट बी गिवन देयर टू फिल इन द ब्लैंक्स और टू करेक्ट, यू हैव टू एक्चुअली करेक्ट द वर्ब। ओके, दैट इज वाई बच्चे इसको रिलेट करते हैं टेंस से, मैक्सिमम एरर उनको लगता है कि टेंस में होता है। ठीक है, दिस इज वाई। तो अगर इफ क्लॉज में वी वन लिखा है तो नेक्स्ट वाला भी वी वन होगा, अगर वो फर्स्ट जीरो कंडीशनल है, इफ इट इज जीरो कंडीशनल। ठीक है, अगर कंडीशनल जीरो है तो क्या होगा, इफ वाले सेंटेंस में वी वन है तो सेकेंड सेंटेंस में भी वी वन होता है। ये जनरली उनके लिए होता है जो यूनिवर्सली ट्रू होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट और समथिंग इन जनरल ट्रू, जनरली जो ट्रू होता है, जनरल ट्रूथ। ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे अपना इंग्लिश नहीं यूज करना जो आप जानते हैं करूंगा होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि इफ आई हीट वॉटर, ठीक है, इट डैश और ब्रैकेट में दे दिया मैंने बॉयल, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसे दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ इसके लिए बता रही हूँ, नेक्स्ट वाले में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वाला एग्जांपल अभी मैंने जो दिया था वही करेंगे। इफ आई हीट वाटर इट डैश, अब देखो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, और ये हो गया हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई हैव नॉट यूज एनी एस और ईएस, क्योंकि आई के साथ एस और ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है हमारा, इट, क्योंकि अब हम वॉटर को दोबारा बोल रहे हैं, तो हम दोबारा वॉटर को वॉटर ना कह के इट कह रहे हैं, तो इट लिखा है, दैट मींस इट इज सिंगुलर प्रोनाउन। ये मैं बताऊंगी जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगी, तो ये सिंगुलर प्रोनाउन है, क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है मुझे वी वन लगाना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, चाहे पानी आप उबालें, चाहे पानी मैं उबालूं, चाहे कोई भी उबाले, इफ यू आर हीटिंग वॉटर इट एक्चुअली बॉइल्स, इट विल बॉइल नहीं करना। ठीक है, इट इज गोइंग टू बॉइल नहीं करेंगे, इट वॉज बॉइल नहीं लिखेंगे। यू विल नॉट यूज एनी अदर टेंस बिकॉज हम इफ कंडीशनल की बात कर रहे हैं और हम इसकी बात कर रहे हैं जो फैक्ट है, दैट विल रिमेन अ फैक्ट। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ फैक्ट, इट विल ऑलवेज रिमेन वी वन दिस साइड एंड वी वन दैट साइड। This is how you have to learn. It's really very tough. English is not a good language. Okay, it's very interesting. Trust me, जब आने लगता है तो इससे अच्छा subject है नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ कर रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा। Okay? तो this is zero conditional. जब भी हम ऐसे कोई तथ्य की बात करें, उस आप conditionals पढ़ते ही साथ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा बेटा कि ये fact है, जनरल है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा होंगी, चाहे मैं करूं, चाहे आप करें, चाहे कोई भी करे, तो वो सेम रहेगा। ऐसी ही चीजों को हम कहते हैं जनरल या फिर यूनिवर्सल फैक्ट। ओके, दिस नाउ सी द सेकंड कंडीशन, हम लोगों ने एक सेंटेंस पढ़ा था अभी, इफ आई विल विन द रेस, सॉरी विन द रेस, आई विल बी सेलेक्टेड, राइट, यही सेंटेंस था अभी। अब हमको इसको करेक्ट करना था, करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस लिखना था, बिकॉज यू आर गोइंग टू अपियर इन द सीजीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, यू हैव टू राइट इट डाउन अगेन, यानी कि आपको दोबारा सेंटेंस को लिखना होता है, तो कैसे लिखोगे। अब इसमें गलती क्या, चेक किया हम लोगों ने, इफ लिखा है, आई लिखा है, ठीक है, अब लिखा है विल प्लस वी वन, और यहां पे भी लिखा है विल प्लस वी वन, दिस इज वी वन।
दिया है। तो याद रखना बेटा, फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, अगर इफ के साथ वी वन है तो सेकेंड वाले में विल प्लस वी वन होता है। ध्यान से देखना बेटा, इफ के साथ वी वन है तो सेकेंड वाले में विल प्लस वी वन, रट लो रट लो, कहीं पे भी लिखना है लिख लो, इट नेवर चेंजेस, इट वोंट चेंज एट ऑल। ओके, ये कब होता है, जब हम किसी परिस्थिति यानी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, नॉट प्रोबेबिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट कैन, दैट इज सिचुएशनल कंडीशन, ऐसी चीजें जो हो रही हो सकती है, ये हो सकता है ना, पॉसिबल है अगर मैं जीत गया तो। याद रखो कहाँ पे एरर है, बच्चे जनरली यहाँ करेक्शन करते हैं या फिर उसको ट्रू करते हैं या फिर उसको सेम उतारते हैं। मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, अगर इफ कंडीशनल है तो पहले वी वन होगा, दूसरे में वी वन नहीं होगा, दूसरे में विल प्लस वी वन होता है। तो चेक करो क्या गलती है हमारा, दिस इज रॉन्ग, वी विल रिमूव दिस, इफ आई विन द रेस आई विल बी सिलेक्टेड, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, ये कंडीशनल है बेटा, दिस इज नॉट टेंस, दिस इज नॉट फॉलोइंग द नॉर्मल टेंस, इट इज फॉलोइंग द कंडीशनल टेंस हियर। और ये आप याद कर सकते हैं, ये चार हैं और ये चार ही रहते हैं, मैं पांच करके बताऊंगी आपको ताकि आपको और इजीली याद हो जाए। मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो रटवा दूंगी आपको कि ये ऐसे ही आते हैं, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू डोंट हैव टू रेक योर ब्रेन, यू डोंट हैव टू रेक एनीथिंग एल्स, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में आए, चाहे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस में। जैसे यहाँ ब्लैंक में था तो भी आप लिख पाओगे, अगर एरर है तो भी आप चेकआउट कर पाओगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वन प्रीपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके देन, हियर आई हैव बॉट अ सीजर एंड अ पेपर, ठीक है, एक कैंची और एक पेपर। ठीक है, अब देखो मैम क्या कर रही है, मैम पढ़ाने जा रही है प्रीपोजिशन का वो पार्ट, एक छोटा सा वन टॉपिक, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक वन टॉपिक एंड आई विल रिलेट कि कैसे ये टॉपिक हमें परेशान कर देता है थोड़ा सा चेंज करके, और एग्जाम में कैसे आ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, देखो बेटा लिखा है ओ डबल एफ ऑफ, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, हद से ज्यादा, क्योंकि अब क्योंकि और इंग्लिश मीडियम बच्चे ज्यादा करते हैं, रीजन बिकॉज दे स्पीक इंग्लिश एंड दे थिंक इफ यू स्पीक इंग्लिश इट कैन बी दैट यू हैव ग्रामर इज वेरी गुड एंड यू आर एक्चुअली गुड एट इंग्लिश, बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट टेक्स टाइम टू लर्न इंग्लिश, नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू मेक योर ग्रामर एफिशियंट इनफ टू बी नोटिस्ड। ओके, अब हम क्यों पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन का ये छोटा सा पोर्शन, मैं एक सिंपल तरीके से और बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग को आज जो एग्जामिनेशन में जब हम लोग को देता है तो वो फ्रेज फॉर्म में देता है बेटा, फ्रेजल फॉर्म में देता है, और फ्रेज का मतलब ही होता है एक वर्ब जिसके साथ प्रीपोजिशन लगा होगा। ठीक है, इट्स अ वर्ब एंड प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन, जो ज्यादा हार्ड हो गया, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसीलिए, क्योंकि वो वर्ब के साथ मीनिंग ही उसका बदल जाता है। देखो कैसे, ऑफ का जनरल मीनिंग एक्चुअली होता है सेपरेटेड, क्या होता है सेपरेटेड। ओके, जैसे सेपरेशन देखो कैसे होता है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, देखो आई एम गोइंग कट, वर्ब हुआ कट करना, ठीक है, और आई कैन से रिप और आई कैन से टियर। अब टियर कट में डिफरेंस क्या है, अगर मैं सीजर से कर रही हूं तो आई एम कटिंग इट डाउन, इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, इफ आई एम डूइंग लाइक दिस आई एम टियरिंग इट। ध्यान से समझना बेटा, कैंची से जब आप कर रहे थे तो आप कट कर रहे थे, दिस इज टियर। अब मैंने क्या किया, देखो अभी सिर्फ टियर किया, अब मैम ने क्या किया, टियर ऑफ, कट ऑफ, रिप ऑफ, सेपरेशन। आ रहा मतलब समझ में, जब हम जैसे ही इसको करते हैं, अलग किया हमने, जैसे पेपर का एक फॉर्म से अलग कर दिया, तो व्हाट आई सेड, रिप ऑफ, रिप्ड, आई रिप्ड ऑफ द पेपर, आई टोर ऑफ द पेपर, टियर्ड ऑफ भी लिखते हैं, ठीक है, आई कट ऑफ, सेपरेटेड, ठीक है। लेकिन एग्जाम में कैसे देता है, देखो अभी हमको इसका मीनिंग पता है, वी नो द मीनिंग ऑफ दिस वेरी नाइसली नाउ, अभी तो फिलहाल के लिए आ गया। ऑफ का मतलब क्या हो गया, सेपरेशन, अलगाव यानी अलग करना किसी चीज से, फ्रॉम के जैसे, ठीक है, अलग करने का मतलब इसमें भी ऑफ का मतलब, इसीलिए ओ एफ ऑफ, ऑफ और फ्रॉम अलग होता है, और क्योंकि हम हिंदी ज्यादा जानते हैं
हमें हिंदी बहुत अच्छे से आती है, हमारी हिंदी ग्रामर बहुत स्ट्रांग है, तो हम इसलिए और ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि हम हर सेंटेंस को हिंदी से रीड करते हैं, और यहाँ पे ये तीनों ही से का काम कर सकते हैं। तो कैसे समझोगे कि इंग्लिश में ऑफ कहाँ लिखेंगे, ऑफ कहाँ लिखेंगे और फ्रॉम कहाँ लिखेंगे? दैट इज वाई इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, और आपको लगता है कि जो मैंने पढ़ा था वो तो आया ही नहीं। अब देखो कैसे एग्जाम में देता है। सपोज उसने आपको दे दिया, सॉरी, हाँ ठीक ऐसे दिया है, फिल इन करेक्ट प्रेपोजिशन, ऐसे ही देता है। अब ध्यान से देखो बेटा, आई पेड द पुलिस के बाद ब्लैंक दिया है और फिर टू दे दिया है। ओ माय गॉड, हमने तो बचपन से पढ़ा है कि दो प्रेपोजिशन एक साथ यूज नहीं होते। क्या प्रेपोजिशन लिखो, क्या प्रेपोजिशन लिखो, इन, ऑन, एट, फ्रॉम, ऑफ, विद, बाय, सब लगाओ गया। और क्या होता है जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, तो हम तुक्का मार रहे हैं। हम तुक्का कैसे मारते हैं, हम अपने मन में जमाते हैं सेंटेंस को। हम ट्राई क्या करते हैं कि उसको जमा के रखें और उसमें से अपना एक मीनिंग ढूंढ लें, और आप कई बार मीनिंग निकाल भी लेते हो। बट रिमेंबर, फ्रेजेस का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसलिए याद रखना कि जब हम यहाँ पे, क्योंकि अभी फिलहाल मैडम ऑफ पढ़ा रही हैं, तो याद रखना यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा, और इसका मतलब होता है ये फ्रेज की तरह यूज हो रहा है। पेड ऑफ, पेड ऑफ या पे ऑफ का मतलब होता है ब्राइबिंग। जैसे मैंने बचाव के लिए, सपोज आप अभी जैसे ट्रैफिक में हेलमेट नहीं लगाया या मास्क नहीं लगाया तो फंस जाते हैं, रोकते हैं पुलिस आपको। जब आपको पुलिस रोकता है तो आप क्या करते हैं, ये रख लीजिए भैया, लेट मी गो। तो यू आर एक्चुअली पेइंग ऑफ, यू पेड ऑफ। डिफरेंस है? Yes, it is very different. ऐसे ही सपोज मुझे एक क्लास नहीं अच्छा लग रहा, ओहो मैम इज नॉट टीचिंग दैट वेल, लेट्स वॉक ऑफ। वॉक ऑफ मतलब आप क्या कर रहे हैं, चले गए, आपने उस चीज को छोड़ दिया। एक होता है कॉल ऑफ, एक था वॉक ऑफ, ऐसे ही है कॉल ऑफ। तो जैसे मैंने बोला कॉल ऑफ, तो आपको लगेगा बुलाने की बात हो रही है, किसी को बताने वाले। कॉल ऑफ मतलब होता है कैंसिल समथिंग, एक्चुअली इट इज कैंसिल समथिंग, नॉट डिले, कैंसिल समथिंग। वॉक ऑफ, टेक ऑफ, ड्राइव ऑफ, किक ऑफ, दीज ऑल मीन्स समवेयर सेपरेशन, बट वेन दे आर यूज एज फ्रेज दे गिव अ डिफरेंट मीनिंग। तो कॉल ऑफ का मतलब क्या होगा, लेट अस कैंसिल, लेट अस कॉल ऑफ दिस क्लास, लेट अस कैंसिल दिस क्लास। क्लियर? दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन पढ़ के उसका हिंदी मीनिंग निकाल के आप ये सब फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर पाएंगे। मैं दिखाऊंगी एग्जाम में कैसे आपको आ रहा है। फर्दर व्हेन यू आर लर्निंग विद मी एंड व्हेन यू आर डूइंग प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस विद मी, यू विल सी कि कैसे इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। ओके, यू विल लव द सब्जेक्ट, डोंट वरी, लेट अस डू सम मोर एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ अगेन अ वेरी इजी टॉपिक, जो आपको ऐसा लगता है कि आप तो इसमें महारत है, महारत ही हासिल है आपको इसमें। ठीक है, आर्टिकल्स, वेरी इजी, ए एंड द। यू ऑल एक्चुअली नो द बेसिक यूज ऑफ ए एंड द, कब कहाँ लगाते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सब आप जानते होंगे, पर फिर भी हम एग्जाम में जब आता है तो थोड़े परेशान हो जाते हैं। रीजन अब मैं नहीं बता सकती, लेकिन जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं बहुत सारी ऐसी भी चीजें बताऊंगी जो आपको याद करना होगा, विच यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट इट। ओके, तो पहला ए एंड द, मैं इस तीनों फॉर्म में, दो फॉर्म में ली हूँ। एक एरर फॉर्म में लेना होता है जिसमें हम कर सेंटेंस करेक्शन करते हैं, एक ब्लैंक फॉर्म में मिलता है हमको सीजीपीएसई मेंस में। ओके, यही दो फॉर्म में आपको आ सकता है आर्टिकल, जो कि अलग से टॉपिक मेंशन नहीं होता बेटा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जब वो लिखते हैं, When they write down parts of speech, उसमें articles, models, subject, verb agreement, sentence and these all things automatically are included. जब हम parts of speech बताते हैं, जब हम parts of speech पढ़ रहे होते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, उसको अलग से पढ़ना नहीं है, उसी से शुरू करना चाहिए। जब भी आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई सजेस्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि हम अल्टीमेटली वर्ड्स नहीं जानते हैं, हम घबराते वर्ड्स से ही हैं। तो वर्ड्स होते क्या हैं, तो वो तब आप जान पाओगे जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से तैयार करोगे। ठीक है, लेट्स डू इट नाउ। आप जानते हैं तीन, ए एम द, तो हम लोगों को उनमें से ही कुछ चीजें करनी है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, बोथ द सिविलियंस साथ में बोला करो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पीक इंग्लिश।
इट इज फॉर इवन इफ इट इज फॉर 5 मिनट्स व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग रीड इट अलाउड. जब आप बोल रहे होते हैं तेज ना, तो आप सुन भी रहे होते हैं और आपको खुद की आवाज सुनाई देती है, तो आप दो चीजें यूज कर रहे हैं, स्पोकन वाला चीज और हियरिंग वाला चीज, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद होगा. ठीक है, तो कीप ऑन स्पीकिंग बिकॉज इट इंक्रीजेज योर स्पीड, नॉट फ्लुएंसी एग्जैक्टली, बट यस स्पीड इज फ्लुएंसी ओनली. ओके, तो बोथ द सिविलियंस and army men joined the rally, no error that there are given this line slash is given to just make it difficult. Okay, don't be scared. aisa psc mein generally slash nahi dete hain, wo correct the following sentences hi dete hain. aur agar aise bina iske diye hain to thode sa aur pareshan karte hain, kyunki hum english bolte nahi hain, we are not native speakers, so we do not actually speak in English throughout. हम पूरा English में नहीं बात करते, चाहे हम कितने भी English medium के क्यों ना हो. ठीक है, तो जब हम पढ़ रहे होते हैं दो बार तीन बार, और क्योंकि हम दो तीन बार इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं guess work कर रहे होते हैं, जितना English हमें आता है हम उनको use करने की कोशिश करते हैं, तो हम time भी take करते हैं ज्यादा, हम ज्यादा time भी लगाते हैं और हम गेस करते हैं. देखो कैसे, बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन. ओके, हम लोग जिन बच्चों को थोड़ा बहुत आता है वो ध्यान रखना, अगर बोथ है तो एंड का प्रयोग होता है, क्योंकि आप बोथ बोल रहे हैं दो चीजों की बात कर रहे होंगे, और वो दो चीजों के बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं, एंड, ये भी ध्यान रखना, बोथ एंड, बोथ एंड, बोथ के साथ अगर यहाँ एज वेल एज देता है, क्योंकि एज वेल एज हमने पहले भी पढ़ा है, फिर से बता रही है मैम, ये दोनों एकदम एग्जैक्टली सिनोनिम्स होते हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग द सेम वर्क, लेकिन अगर हम बोथ के साथ अगर एज वेल एज यूज किया गया है तो इट इज रॉन्ग इन इंग्लिश ग्रामर. आप बोथ के साथ क्या यूज करेंगे, एंड, तो पहला तो ये यूज सीख जाओ. सेकेंड, जब मैं ये सेंटेंस पढ़ रही हूँ तो मुझे नहीं समझ आएगा कि आर्टिकल में गलती है, मैं जनरली क्या करूंगी, पहले वर्ब देखूंगी, जॉइंट लिखा है, जॉइंट होता है कि नहीं, मुझे एरर वहीं पे कहीं लगेगा, बिकॉज हमारा एक जनरल नोशन है दैट वी थिंक कि वर्ब में ही गलती होगा. व्हेन एंड इज गिवन, ठीक है, जब एंड कंजंक्शन यूज किया गया है और दो लोगों की बात करें, दो नाउन की बात कर रहे हैं और साथ में बोथ भी दिखा है, यानी कि दो होंगे ही होंगे, यानी दो अलग अलग लोग हैं तो दो अलग अलग आर्टिकल लगना चाहिए, याद कर लीजिए. अगर एंड है और हम दो की बात कर रहे हैं, बहुवचन की बात कर रहे हैं, तो दोनों में आर्टिकल का प्रयोग आवश्यक. अगर हम एक ही इंसान के बारे में दो चीजें बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पीपल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पीपल यू नीड टू हैव टू आर्टिकल्स इन इट. ओके, लर्न विद मी. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बोथ द सिविलियंस एंड द आर्मी मैन join the rally. Error correction, second में आओ. Dash music is life. अब हमको a and the लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे, the music is life. A music नहीं जम रहा, and music नहीं जम रहा, तो क्या लगा देते हैं हम लोग generally, the. Maximum बच्चे the का उपयोग करेंगे. Reason, और एक reason, क्योंकि हम अब याद रखना होता है जब हमको PSC mains लिख रहे हैं तो ये sentence में सिर्फ इसको सुधारूंगी नहीं, मैं इसको दोबारा पूरा लिखूंगी. Both the civilians and the army men joined the rally without making any spelling mistakes because rest everything is given in your question paper. Read it, see it and then write it. Okay? Now next वाले में, क्योंकि हमें blank मिला है तो हम generally क्या करते हैं, blank है तो भरेंगे ही भरेंगे, कुछ तो भी उसमें डाल ही देंगे हम लोग, ऐसा हमारा विचार होता है मेरे साथ. तो हमने देखा म्यूजिक आर्टिकल है, मतलब संज्ञा का होना आवश्यक, ये भी संज्ञा होगा, कौन सा संज्ञा है, क्या हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं, म्यूजिक वीडियोस खरीदते हैं आप, म्यूजिक के कैसेट्स खरीदते हैं आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, लेकिन म्यूजिक नहीं खरीदते. ठीक है, म्यूजिक इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप उसके उसमें सिक्स सेंस का यूज नहीं कर सकते, इट्स नॉट अ कॉन्क्रीट नाउन, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, needs no article. तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आप बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, म्यूजिक, इसको कैपिटल कर दिया मतलब ऑटोमेटिक अंडरस्टूड दैट दिस इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ योर सेंटेंस, म्यूजिक इज लाइफ. और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा लिखना है तो आप इसके सामने ब्लैंक डाल के लिखिए नो आर्टिकल. तो जब आप मेरे साथ पढ़ रहे होंगे तो तीन आर्टिकल नहीं चार आर्टिकल पढ़ेंगे, ए एन द एंड नो आर्टिकल, या इसको जीरो आर्टिकल भी मैम बोलती है, जीरो का मतलब ही हो गया नो. ठीक है, तो कहां आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं ये भी उतना ही आवश्यक है आपके लिए जाने के लिए, बिकॉज नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गिव स्कूल एग्जामिनेशन, नाउ वी आर अपियरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन. और क्योंकि आप कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आपका लेवल ऑफ जो रीडिंग और एक्सरसाइजिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए स्कूल के बच्चों से. तो स्कूल वाले बच्चे पढ़ते होंगे ए एंड द, पर आप पढ़ेंगे ए
and the and the use of no article with me. Okay, next is Deepak and Manish like to play dash volleyball. Okay, sports, games, subject, language, इनके सामने भी ए एंड द का प्रयोग नहीं करना होता है. यू डू नॉट हैव टू यूज एनी आर्टिकल विद ऑल दिस थिंग्स. तो हमारे साथ आप क्या क्या करोगे, ए एंड द एंड नो आर्टिकल. तो अब मेरे बच्चों को कितने आर्टिकल याद होने चाहिए, चार, नॉट थ्री. थ्री सोचोगे तो सिर्फ थ्री में ध्यान दोगे. फिर मैम बताएंगे कि कहाँ पे ए लगता है, कहाँ पे एम लगता है, कहाँ पे द. अभी नहीं, दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू हाउ यू हैव टू लर्न. फिर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी बेटा कि कैसे क्वेश्चंस इनमें आते हैं और हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है लगाना, हमें पता है, हमें ये भी थ्योरिटिकली पता होता है कि ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है. इसके बावजूद हम एग्जाम में कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं या हमें आंसर ढूंढने में मुश्किल होती है. दिस इज हाउ यू विल लर्न विद मी एंड देन चेक आउट हाउ यू हैव टू राइट करेक्टली इन लेस टाइम. ठीक है, बाकी बच्चों से कम समय में आपको मेरे साथ करना है. ठीक है, दिस इज इंग्लिश फॉर यू विद मी. ओके, चेकिंग आउट फॉर वन मोर लास्ट थिंग. देखो नाउ आई एम टीचिंग यू सम वेरी बेसिक थिंग अबाउट इंग्लिश. ये इसलिए सिखा रही है मैम क्योंकि आप ऐसे राइटिंग भी करते हैं और आप प्रेसी राइटिंग भी करते हैं ना. तो जब हम प्रेसी राइटिंग लिख रहे हैं या ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, those who are English medium students, please listen to me very carefully. तो हम अपने चीजों को कैसे add on करते हैं? Generally हमारे पास एक ही word होता है. किसी भी चीज को add करने के लिए हमारे पास एक ही चीज होता है, word होता है, वो add. जितना कम इसको use करोगे उतना अच्छा आपका English होगा. Use less in this is less and instead of this use either this or this. ये तीनों ही actually add on करते हैं information में. इन्फॉर्मेशन और आइडिया. एक्चुअली हम ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं इसको, कि ट्रांजिशन का मतलब ही होता है ब्रिजिंग अप, यानी यू आर कनेक्टिंग समथिंग. यानी हम कोई एक आइडिया प्लेस करें, क्योंकि प्रेसी राइटिंग है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बता रहा होगा, आपको उसको ऐड करना होगा. ऐसे है यानी कोई ना कोई टॉपिक मिला होगा जिसमें आपको लिखना होता है, तो हम एक आइडिया लिखते हैं पहले. फॉर एग्जाम्पल कोरोना, द सिचुएशन ऑफ कोरोना हियर नाउडेज आर नॉट दैट गुड. पीपल आर वरीड अबाउट हाउ टू टेक प्रिकॉशंस. दे टेक प्रिकॉशंस बट स्टिल आर अंडर प्रेशर. Moreover, the result of symptoms. Moreover, the symptoms are not that clear. तो moreover कैसे add किया मैडम ने? कुछ जो ideas अपन ने बात किया और ideas के बाद हमने add किया. जब आपको similar कोई चीजें बार बार बोलनी पड़ रही है, उसी के बारे में आप बार बार दो तीन idea बोलना चाहते हो और आपको paragraph change करना है, use these words. This enhances your writing skills. ठीक है, ये words को आपके जो writing skills को improve करेगा. Don't use the word and so this. ये less quantity में use करो. Reduce the use of hence or so. ये तीन जो होते हैं, ये सब चीजें actually आपको दिखाता है consequence. यानी result. कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं रिजल्ट की. यहाँ पे आइडियाज, एक आइडिया सिमिलर आइडिया को जोड़ने के लिए. यहाँ पे जब हम एक आइडिया की बात कर रहे हैं और उसकी कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हैं कि द सिचुएशन ऑफ कोरोना इज ग्रोइंग रियली है वेरी हेक्टिक. पीपल आर वरीड. पीपल आर टेकिंग लॉट ऑफ टेंशंस. देयरफॉर वी थिंक वी नीड टू बी वेरी प्रिकॉशियस. तो देयरफॉर दैट मींस अब हम अंततः ऐसे रिजल्ट की बात करें कि हमको प्रिकॉशन लेना आवश्यक है, नहीं तो हम मर जाएंगे, नहीं तो हम हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, नहीं तो हमको ऐसी चीजें फेस करनी पड़ सकती है तो जो भयानक है, रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू एनीवन. तो व्हेन यू हैव एन आइडिया, आई हैव सेड अबाउट द आइडिया, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट और द कॉन्सिक्वेंस. यानी कि आप उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने चाहते हैं जो उसका प्रभाव या फिर इफेक्ट होगा, तो हम क्या यूज करते हैं, देयरफॉर, दस, so hence. therefore generally एक mathematically use किया जाता है, ज्यादातर maths में use करते हैं. therefore hence proved ऐसे करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे भी आप use कर सकते हैं to show consequences. ठीक है, this is how you improve your writing skill. I'll tell you how to start a prezi, how to actually start a passage or a paragraph or a long answer or an essay. कैसे आप उसको enhance करते हैं, कैसे अपने writing skills को improve करते हैं, by using your phrases, idioms and proverbs to make your writing section even more ornamented. Zyada achhi cheeze use karke jab aap words ko likhte hain to aapki writing skills automatically improve hoti hain, aur ye aap improve karenge mere sath jab aap padh rahe honge CGPSC mains English language with Rupa ma'am. Okay, so with a note that positively you will be very happy to learn with me,
आप बहुत ही खुश होके पढ़िए। कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं, जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो सिर्फ एग्जाम सोच के नहीं पढ़ना बेटा, एग्जाम सोच के नहीं पढ़ना है, स्कोर सोच के पढ़ना है कि हमको बाकियों से कैसे अपना स्कोर इंक्रीज करना है। तो ये जो लैंग्वेज पेपर है, ये आपको मैंने बताया था, आग में घी का काम करना चाहिए, मतलब उन्हें ऐसा होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन इतनी तगड़ी होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको बाकी पेपर्स के मुकाबले इसमें जो है उन सब में एड ऑन हो, आपकी जो चीजें हैं वो एड हम हो, आपकी स्कोरिंग जो है वो बढ़े। विद दैट पॉजिटिव नोट एंड विद द स्पिरिट दैट यू विल बी लर्निंग इट वेरी प्रॉपरली विद मी, कीप स्माइलिंग। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।